एक छोट भैया नेता जिसको हाउस में बोलने की तमीज भी नहीं है, ख्वाब लेकिन बहुत बड़े बड़े। आपका इशारा किसकी तरफ? अरे जिसने इल्जाम लगाया मुझ पर, जिसके बारे में आपने सवाल पूछे कि उसका ये कहना है, मैं अपना मुंह क्यों गंदा करूं? अब तो नाम से भी इतनी गंदा आने लग गई है कि नाम ले लो तो मुंह खराब हो जाएगा, उल्ली करना पड़ेगी। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं लालू मशेर पब्लिक चैनल से। दोस्तों आज मुमरा कौसा के अंदर ट्रैफिक की समस्या कम हो गई है, लेकिन उसके साथ साथ में जो है एक जो दुकान जो लोग रोड के ऊपर लगाते थे उनकी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उनकी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। इसी चीज़ को लेके जो तनवर नगर का पेट्रोल पंप कभी हुआ करता था वहाँ पर जो है जो एक बिल्डर ने मतलब एक बिल्डिंग के लिए वो पत्रा लगाया हुआ है उसके अंदर कुछ ऐसा प्लानिंग हुआ कि इसके अंदर को दुकानें बना के जो रोड के ऊपर जो दुकानदार बैठते हैं, जो हॉकर बैठते हैं, उनको वहाँ पर दिया जाए और ये रोड पर ना लगा हुए ताकि ट्रैफिक का समस्या ख़त्म हो जाए और यहाँ ट्रैफिक ना हो। इसके वजह से वहाँ पर जो है मंडप बांधा गया, जैसे कि आप देख सकते हो कि मंडप बांधा गया और वहाँ पर तकरीबन 315 गाले बताए जा रहे हैं इस तरीके से बांधे गए। तो ये चीज़ हुआ था कि वहाँ पर जो है कोई किराया या कोई भाड़ा नहीं लिया जाएगा, लेकिन ये चीज़ को लेके जो है कुछ जो स्थानीय जो नगर सेवक मौजूदा नगर सेवक है, जैसे कि आप देख सकते हो समीम खान है और सानू पठान है, ऐसे लोग जो है वहाँ पर एंट्री, एक जबकि ये राजनेता से जुड़ा हुआ मामला नहीं था, ये हॉकर का था, दुकानदार का था, टीएमसी का और दुकानों का मसला था, लेकिन वहाँ पर इन लोगों ने एंट्री लिया। एंट्री लेने के बाद में इन लोग जो है उस गाले का मांग जो है कभी 10,000 कभी 15,000 रुपया करने लगे, उसके बाद अभी आस्ते आस्ते जो है कम करते करते 4,000 रुपया आया। लेकिन वो हॉकर जो बैठते हैं, जो पूरा रमज़ान उनका ख़राब हो गया है, वो दुकानदारी नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम इतना पैसा कहाँ से देंगे, हम नहीं दे पाएंगे, जो आपने गाले बांध के दिए हम उनको वही कॉन्ट्रैक्टर से हम लोग उनको 1,000-1,500 रुपये में बंधवा लेते थे, ये 4,000 रुपये हम कहाँ से लाके देंगे। इसी चीज़ को लेके कुछ हमारे जो पत्रकार रफीक कामदार हैं ये वहाँ पर गए और वहाँ पर जाने के बाद में कुछ जो है हाथापाई हो गई और कुछ मतलब गाली गलौज मतलब उन लोग सामने से देने लगे हमारे एक पत्रकार को, और फिर उसके ऊपर से बात बढ़ते बढ़ते काफ़ी बढ़ गई। तो अभी ये जो है टीएमसी और जो पुलिस स्टेशन है मुमरा पुलिस स्टेशन या मुमरा पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार लोग हैं, इस चीज़ को लेके मसला हल करें, क्योंकि लोगों की पेट का सवाल है और ये गरीब जो है वहाँ पर लगाते हैं उनका कहीं ना कहीं इनको भी दिया जाए। क्यों इसमें सबसे बड़ी सवाल उठ रही है कि आधे लोग तो अपने जगह पर बैठ के धंधा पानी कर रहे हैं और आधे बेचारे घूम रहे हैं, तो इनको भी कहीं ना कहीं हक दिया जाए। इसी चीज़ को लेके हमने सानू पठान से बात करने की कोशिश की और समीम खान साहब से। सानू पठान ने साफ साफ कहा कि रफीक कामदार ने शिवसेना से सुपारी ली है एनसीपी को ख़त्म करने के लिए, ये साफ साफ आप खुद ही उनके जवानी सुनिए कि क्या क्या कह रहे हैं। ऐसा है कि मैं आपको साफ बता देना चाहता हूँ कि हम लोग भी चाहते थे कि मुमरा कौसा के अंदर लोगों को रमज़ान मार्केट के लिए जगह दी जाए, लेकिन कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर साहब, म्यूनसिपैलिटी कमिश्नर साहब ने जब बोल दिया कि हमने मार्केट मित्तल में अलॉटमेंट कर दिया हॉकर्स के लिए पहले ही 3 महीने पहले, तो रोड पे लोग क्यों धंधा लगाएंगे? उसके बाद रमज़ान के लिए, रमज़ान मार्केट ईद के लिए लोग खरीदी करने के लिए मुमरा में आते, इसीलिए कैसा क्यों कहाँ दिया जाए इसकी व्यवस्था करना चाहते थे। हाल ही में ये जगह हम लोग सब ने मिलकर, आमदार साहब ने मिलकर जगह मालिक से बात की, उन्होंने फ्री में दिए, लेकिन जो मंडप बांध रहे, जो लाइट मंडप मीटर ये सभी का जो खर्चा है उन जो लोग बनाएंगे, जो लोग लेने वाले उनको डिवाइड कर देंगे, उसका खर्चा का जो था लगभग 5,000 रुपये तक का, 4,850 कुछ आ रहा था, फिर उसने 4,150 का कोटेशन दिया। लेकिन हम लोग ने आयरे साहब, हम लोग कामदार साहब से और क्या बोलते शमीम खान साहब, सीनियर साहब, एसीपी साहब से डिस्कशन किए, आमदार साहब ने बोले कि उसको इतना पैसा नहीं लिया जाएगा, जो डायरेक्ट जो मंडप बांधा है उसको लोगों से दिला दो और सामने कर लो मंडप वालों को। और उसके अलावा एक और बात बोले आमदार साहब ने कि जिनके पास समझो 3,500, 3,000, 4,000 भी नहीं है,
अगर वो उतना भी नहीं दे सकते तो संघर्ष की तरफ से हम उसको 1,000-1,500 रुपए की मदद करेंगे कि उसको कम से कम उसको 50-100 लोगों की मदद करेंगे तो कम से कम में उनको ये गाले मिल जाए। ठीक है, लेकिन आज जिस तरह से विवाद हुआ ये क्या मुद्दा था और विवाद होने की वजह क्या है? ये विवाद ऐसा है कि कुछ लोग पत्रकारिता छोड़ के जाति दुश्मनी कर रहे। रफीक कामदार जी क्या उनका मुझे नहीं मालूम, उन्होंने शिवसेना से या बीजेपी से सुपारी लिए, लेकिन एक से दो साल के अंदर कंटिन्यू एक ही खबर डालते हैं। हर मुशायरा हो, पार्टी ऑफिस मीटिंग हो, कहीं भी मामला उधर बदतमीजी करते, उधर आके दादागिरी करते, कुछ ना कुछ करने के चाहते। उनको कौन सिखा के भेज रहा है, उनकी क्या हमसे दुश्मनी है हमें नहीं मालूम। ये जो है ना रफीक कामदार, ये आदमी मतलब ये आरोपी है लक्की कंपाउंड का, समझे? और उसके बाद में हर रोज़ कोर्ट में रहता है, समझे? इसका भाई जो है ना हनीफ कामगर, उसका 18 गाले का लिस्ट लेकर वो आया था मगजमारी करने के लिए, जो वो भाड़े पे देगा, समझे? और उसको वो नहीं मिला। जब बात ये की गई कि भाई वेरिफिकेशन किया जाएगा आदमी लोग का, मतलब जो आधार कार्ड यहाँ का है, जो किस्मत कॉलोनी से लेकर तनवर नगर तक के जो शानू भाई ने यहाँ पर मतलब जो पूरी मेहनत करके अपना पैसा लगा के यहाँ पर मार्केट खड़ा किया भाई, तो उसके बावजूद वो आके फिर क्या किया, ज़बरदस्ती मगजमारी किया। मैं खुद यहाँ पर खड़ा था और जो है भाई शानू भाई अंदर बैठे और बोल रहा है कि मैं मेरे को शानू भाई ने गाली दी है, मेरे को शानू भाई ने गाली है, जो सरासर झूठ और जो है अपना एकदम मक्कारी वाली बात है, समझे? कोई जो है अपना जो है शानू भाई ने गाली नहीं दी है, कुछ भी नहीं दिया। शानू भाई अपने वहाँ पर जो है बैठे हुए थे अंदर कंटेनर वाले ऑफिस में। नहीं, आपने जो ये आरोप लगाया है कि वो मक्कार है और ये आरोपी है, तो आपके पास है उसका सबूत कि हाँ ये रफीक कामदार है ना? हमारे पास उसका प्रूफ है ना, हमारे पास वीडियो है बाकायदा। वो खुद से आके जबरदस्ती का बोल रहा है कि शानू तू मेरे को गाली दिया, शानू तूने उसको फिर अपना वो मुद्दा एक अलग है। आपने जो कहा है कि रफीक कामदार आरोपी है और वो ये है, आपके पास है उसका सबूत के वो आरोपी है पत्रकार? वो आदमी खुद कोर्ट में जाता, आप उससे पूछो। नहीं, कोर्ट में तो सब पत्रकार जाते हैं। कोर्ट में जाते किस मामले के लिए जा रहे हैं वो पूछो ना आप, लक्की कंपाउंड के मामले के लिए। आप मुद्दे को हटा के बात चल रही है कि नहीं चल रही है? ये है कि जो अभी मेरी बात शानू पठान साहब से हुई, मुन्ना भाई से हुई, मेरे आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब ने कहा और रहीर साहब से हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन किया है, तो इंशाल्लाह ताला कल मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कल जोहर की नमाज के बाद इंशाल्लाह ताला ये जो भी हमारे हॉकर्स भाई खड़े हैं, कल इंशाल्लाह ताला यहाँ पे इन लोगों को, इनका जो भी सिस्टम है इनको बिठाया जाएगा। लिस्टिंग जो शानू भाई ने बताया कि अभी लिस्ट इनकी बनाई गई है, लिस्ट मैंने भी देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं लोगों को बिठाया जा रहा है जो लोग यहाँ पे थे। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक आदमी आए और कहे मुझे 18 गाले चाहिए, उसको शानू पठान या शमीम खान प्रेशराइज होकर के 18 गाले दे दे, ऐसा कतई नहीं होगा। ये उनकी शानू भाई, ये उनकी गलत सोच है। अगर शानू भाई ने कहा कि मैं 3 गाला दे रहा था, तो ये भी उन्होंने कहा कि मैं उनको कह रहा था कि 3 गाला आप फ्री ले लीजिए, पैसे मत दीजिए, उसके बाद भी आकर के आप ये चाहते हो कि शहर का माहौल खराब हो, शहर का वातावरण खराब हो। जो मुझे अभी बताया गया, अभी क्या नाम आपका? बाबर ने बताया कि 18 गाले के लिए यहाँ पे रफीक कामदार जी आए थे लिस्ट लेकर के, अभी ये बता रहे थे, लिस्ट लेकर के आए थे और कह रहे थे कि ये गाले मेरे भाई के लिए चाहिए। तो मैं उनको ही कहना चाहता हूँ, हनीफ का जो भी, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा है तो गलत है। अगर शमीम खान भी आके कहे कि मेरे किसी दोस्त के लिए, मेरे किसी रिलेटिव के लिए आप 18 गाले दो, तो 18 गाले अगर शमीम खान ले लेगा, 18 गाले शानू पठान ले लेगा, 18 गाले मुन्ना साहिल ले लेगा, 18 गाले रफीक कामदार ले लेंगे, तो बाकी क्या करेंगे, ये हॉकर्स क्या करेंगे? ये हॉकर्स की मार्केट बनाई गई है सिर्फ इनके लिए, किसी नेता के लिए नहीं बनाई गई है या किसी मीडिया के लिए बनाई नहीं गई है। शमीम भाई सिर्फ रफीक कामगारी लिस्ट क्यों दी, और भी लोगों ने तो लिस्ट दिया ना उनकी? नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, सुनिए, जो सुनिए, जो हॉकर्स ने लिस्ट दिया है, हाँ, उस हॉकर्स की लिस्ट को देखा गया है, उसको वेरीफाई हमने या शानू पठान ने नहीं किया है, उसको वेरीफाई अहिर साहब, गोसावी साहब ने किया है। वो लोग पुराने यहाँ के हॉकर्स थे, ये जितने लोग खड़े हैं ये सब यहाँ के हॉकर्स हैं, कोई बम्बई से आए हुए लोगों भी नहीं, आधा घंटा पहले एक नजर से क्यों नहीं देख रहे आप लोग, एक नजर से क्यों नहीं देख रहे 40 से 50 लोग, जैसा बीजेपी के कुछ लिस्ट है, कुछ इनके रफीक कामदार की तरफ से हटा कर उसके बाद आप लोगों ने डिवाइड किया पैसे का। लिस्ट देने का अधिकार सबको है, लाके आप 500 का लिस्ट देके जाओ, गाले 280 है तो 280 को डिवाइड किया जाएगा, लेकिन 280 को डिवाइड उसी तरीके से किया जाएगा
जो जिसका हक है वो गाला उसको ही मिलेगा। लेकिन बात यहाँ हो रही कि 200 गाले की डिवाइड किया गया है, 280 280 गाले डिवाइड किए गए हैं। उसके बाद हमने रफीक कामदार से भी कुछ बात करने की कोशिश की, रफीक कामदार ने भी कुछ कहा है। बात ये है कि ये जो नशेमन का पट्टा है पूरा, किस्मत कॉलोनी का पट्टा है, तनवर नगर का पट्टा है, यहाँ के जितने भी हॉकर्स हैं जो अपनी रोजी से जो है बेरोजगार कर दिए गए हैं, आज 5 महीने से कारपोरेशन इनको धंधा करने नहीं दे रही है, धंधा नहीं करने दे रही है। तो आज ये शहर के जो है सैकड़ों हॉकर्स हैं, इसी शहर में रहते, उनके परिवार इसी शहर में रहते, तो इनके रोजी रोजगार का मसला सुलझाने का काम किसका है? यहाँ के नेताओं का, जो इन लोगों के वोट लेकर के नगर सेवक बने हैं, विधायक बने हैं। 10 साल से जितेंद्र आवाड़ यहाँ पर विधायक है, एक कारपोरेशन का मार्केट क्यों नहीं बना पाए? इतने 18 नगर सेवक है आज, शानू पठान जो कह रहे कि मैं 18 गाले की लिस्ट लेकर के आया था, ठीक है, तो मैं कोई 18 गाले की लिस्ट लेकर के नहीं गया था, मैं इन्हीं हॉकर्स के बुलावे पर वहाँ गया था। इनकी शिकायतें थी कि यहाँ पर हमसे बहुत ज़्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं जो हमारी कुव्वत में नहीं है देना। तो मैंने इनसे कहा कि आप लोग फैसला कर लो, आपको लेना है तो आप बात करो, जो जमता है आपको जितना पैसा देना उस हिसाब से बात करो, नहीं आपको परवड़ रहा है तो आप जो है उनको इनकार कर दो, ये फैसला आप लोगों को करना है, ठीक है। उसी दौरान जो है शानू पठान दूर से उसने मुझे गाली दी, तो मैंने उसको बोला कि तुम दूर से गाली दे रहे हो, यहाँ आकर के बात करो जो बोलना है। तो उसमें उसका ड्राइवर जो है वो रोशन करके वो मेरे अंग पर आया। अच्छा। वो मेरे अंग पर आया तो ये लोग जो तमाम जितने भी 100-150 ऑकर से ये इनका गुस्सा फूट पड़ा कि एक आदमी जिसने कोई बात आपसे की नहीं, जिसने सिर्फ हमारी सुनी, हमको एक मशवरा दिया और उसको तुम टारगेट कर रहे हो, तो ये कौन सा तुम्हारा तरीका है? और आपको बता दूं ये तनवर नगर के रमजान मार्केट की सच्चाई, सच्चाई ये कि यही हॉकर जो है ये विधायक जितेंद्र आवाड़ के पास गए थे और इन्हीं के बोलने पर, इन्हीं की मांग पर विधायक जितेंद्र आवाड़ ने ये जो बिल्डर है सज्जाद कुरैशी उनसे NOC लेकर के कहा यहाँ हॉकरों को बसाओ रमजान तक के लिए। तो जब हॉकरों को बसाने की बात है तो सीजनल व्यापारियों को वहाँ जगह क्यों दी जा रही है? पहले शहर के जो मकामी हॉकर है जिनका राशन कार्ड इधर का है, जिनका आधार कार्ड इधर का है, जो 20-25 साल से 30-30 साल से यहाँ रह रहे, या 15 साल से 10 साल से इस पट्टे में धंधा कर रहे, आप उनको रिहैबिलिटेट पहले करोगे या पैसा गिन करके देने वाले को पहला करोगे? हक किसका बनता है? इन लोगों का बनता है। तो इनको हक देने आप राजी नहीं हो? और अगर मैं आपके गोलमाल 320 गाले हैं, कल 4,000 का भाव था, आज 5,500 हो गया, आप टोटल मार लो पैसा कितना हो रहा है, या 1,000-1,200 रुपए में, 1,500 रुपए में हर साल रमजान का मंडप ये लोग बंधवा के लेते हैं, और टेबल के पैसे अलग देने, पर्दे के पैसे अलग देने, तो बजट कितना जा रहा है? तो 320 मल्टीप्लाई 5,000 भी आप करेंगे तो 15 लाख के ऊपर की रकम जा रही है। तो 10-12 दिन का ये जो मार्केट है उसमें ये 15 लाख खर्च होने वाला है क्या? कोटेशन क्या है और पैसा क्या लिया जा रहा है? हाँ, तो ये झोल जो है ना, ये हिंदुस्तानी रिपोर्टर के माध्यम से रफीक कामदार ने उजागर किया, तो मिर्ची लगी है, मिर्ची और कुछ भी नहीं है। नहीं, सीनियर साहब से कोई खास बात नहीं हुई। सीनियर साहब जो है ना, वो उनका अभी क्या रुझान है, क्या सोच है, पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रही है। मैं साफ कहूंगा, ACP साहब थे, ACP साहब ने बहुत अच्छी बात की, AMC महेश आयर बैठे थे, उन्होंने भी अच्छी बात की, आज उन्होंने कुछ हेड ऑफिस पे बुलाया भी था लोगों को, वहां पर उन्होंने बात की है, और कल जो है वो सुबह 10-10:30 बजे आएंगे सर्वे करने वाले एक दो जगहों का, और उस पर फाइनल करके ये जितने पट्टे के हॉकर से इनको जो है वो जगह अलॉट करने की बात तय हुई है, ठीक है। पुलिस प्रशासन की जहाँ तक बात है तो अभी तक का हम यहाँ देख रहे हैं 2 से 3 बड़े विवाद हुए, पानी की टाकी का, इधर का उधर का। अगर मोइन भाई रफीक भाई लड़ रहे और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है तो दोनों पक्षों पे कार्रवाई होती है, दोनों पक्षों को रोका जाता है, न कि सिर्फ मोइन भाई को भगा दिया जाए और रफीक भाई को वहाँ छोड़ दिया जाए, या सिर्फ रफीक भाई को भगा दिया जाए और मोइन भाई को छोड़ दिया जाए। तो ये पक्षपात वाला रवैया जो है उससे लॉ एंड ऑर्डर कायम नहीं होता। पुलिस के आला अधिकारियों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस बात को समझे। 24 तारीख को पुलिस स्टेशन में ही इफ्तार है, तो थोड़ा सा इफ्तार करने के दौरान लोगों को भी इफ्तार कराओगे तो इनकी जो भूखमरी की हालत है उस पर भी सोचे। मेरा यह कहना है ठाणे महानगरपालिका एक ही ज्यूरिडिक्शन, ठाणे सिटी, कलवा, मुमरा, कौसा, दीवा, ठाणे में 10 दिन तेंबी नाका पे नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। नवरात्रि का बाजार लगता है वो रोड पर, महाशिवरात्रि का बाजार लगता है वो रोड पर, गुड़ी पाड़वा हिंदू नववर्ष का बाजार लगता है वो रोड पर,
और भी कई त्यौहार मनाए जाते हैं उन सब के, आज रावड़ी में जाके देखो रोड पे ही धंधे लग रहे सब, कोई ऐसा नहीं है कि उनके लिए मार्केट बनाई गई है। तो मुमरा कौसा के साथ और मुमरा कौसा के इस गरीब हॉकर जमात के साथ में इस तरीके का सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? 5 साल हो गए, कितने 5 साल, 1200 लोगों को 12 साल हो गए, उसमें 3800 आप बढ़ा दो उनको 5 साल हो गए, 1000 रुपए के हिसाब से महापालिका ने इनके पैसे लिए, फॉर्म भराई है बायोमेट्रिक सर्वे के नाम पे, 50 लाख रुपया महानगर पालिका इनका इस्तेमाल कर रही है और आज इनको कहीं पर भी बैठ के धंधा करके अपने बाल बच्चों की रोजी रोटी कमाने का कोई हक नहीं रहा। तो ये कौन सी विकास की दिशा है, ये कौन सा बदलाव आ रहा है, कौन सी सोच बदल रही है और कौन सा मुमरा बदल रहा है? अब ये मुमरा वासियों को सोचने का काम है। तो ये चीज है, ये बहुत अलग जा रही है मुद्दा, तो इस चीजों को जो है एक जिम्मेदार जो अधिकारी है वो मिलके इस चीज को खत्म करे। किसी का रमजान खराब करके कुछ फायदा नहीं है, इसको भाईचारे के बैठ के और भाईचारे के हिसाब से समझाया जाए और इसको मुद्दा खत्म किया जाए। मैं लाल मोहम्मद शेख नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।